चलो बच्चों, आप लोग जो है द स्विंग चैप्टर पढ़ लिए हैं और आप लोग को फिर से स्वागत है अगले वीडियो में। और अगला तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो लास्ट भाग देखेंगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन ये सब कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है नेम द पोयम, नेम द पोएट, ये सब सारे पढ़ लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी बना लिए हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखेंगे थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। सोचना क्या है और लिखना क्या है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, नीचे दिया बनाया हुआ है, ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पानी है और ये कुछ बच्चे जो हैं अपना बोट जो है इस बोट को चला रहे हैं, खेना कर रहे हैं। और इसमें कहता क्या है देखेंगे। यू आर लुकिंग, तुम देख रहे हो एट द पिक्चर ऑफ रिवर राफ्टिंग, नदी में जो है ये बोट जो है चल रही है। इसमें इस पिक्चर में देखेंगे। नाउ राइट इन 5 सेंटेंसेज, तो कहता है कि आप लिखिए 5 वाक्य 5 सेंटेंस अबाउट दी अदर एक्टिविटीज। ये तो एक्टिविटीज एक्ट है, तो अन्य एक्टिविटीज क्रियाकलाप लिख, जैसे किस रूप में लिखना है क्रियाकलाप। यू कैन डू इन वाटर, जो तुम पानी में कर सकते हो। पानी में हम, पानी में क्या क्या हो सकता है, पानी में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। जो 5 वाक्य आप लोग को देखेंगे कि नेक्स्ट पेज में, किताब के नेक्स्ट पेज में जो है ब्लैंक्स है, लाइन 5 लाइन, और इसमें हम लिख दिए हैं 5 वाक्य, देखेंगे क्या क्या लिखे हैं। पहला है, पहला लिखे हैं जो आप लोग लिखेंगे, अपना अलग भी लिख सकते हैं। आई कैन स्विम इन द एयर वाटर, सॉरी ये एयर हो गया है, ये एयर को वाटर लिखना है, जो कि पानी है। ये तारे एयर को वाटर कर देंगे। और देखेंगे आई कैन स्विम इन द वाटर, ये वाटर लास्ट में इसका फुल स्टॉप देंगे। आई कैन स्विम इन द वाटर मतलब मैं पानी में तैर सकता हूं। दूसरा, मैनी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वस्तुएं पदार्थ कैन सिंक डूब सकती है, बहुत सारे पदार्थ जो है डूब सकती है। कहाँ? इन द एयर, इन द वाटर, इन द वाटर, बहुत सारे पदार्थ जो है पानी में, लास्ट में इन द वाटर है, इन द वाटर WATER, तो पानी में बहुत सारे वस्तु डूब सकती है, सिंक मतलब डूबना, समझ गए। अब आगे है मैनी ऑब्जेक्ट्स स्विम, जैसे ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपन, मैं जैसे पहला वाक्य है तैर सकता हूँ, तो हम पानी में जाएंगे तैर के दिखाएंगे, दो एक्टिविटी हो गया। दूसरा, मैं मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन सिंक डूब सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ डूब सकते हैं, तो बहुत सारे पदार्थों को हम पानी में डाल के देखेंगे, पानी में क्या होंगे, कुछ पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ डूब जाएंगे, जो भारी पदार्थ होंगे, जैसे जो पानी से डेंसिटी ज्यादा रखता होगा, पानी से डेंसिटी ज्यादा रखता है, घनत्व ज्यादा होगा, वे पानी में डूब सकते हैं और डूबेंगे ही। आगे तीसरा, मैनी ऑब्जेक्ट स्विम ऑन द वाटर, ऑन द यहाँ वाटर, ऑन द वाटर, तो बहुत सारे पदार्थ जो है तैरते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे सूखे पत्ते, पानी से डेंसिटी जिसका कम हो जाता है वो पानी के ऊपर जो है
तैरते हैं पानी पर, वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, पानी के ऊपर कुछ सूखे पत्ते देते हैं तो पानी के ऊपर ही रह जाते हैं, या फिर हिला देने से वे इधर उधर तैरने लगते हैं ऊपर में, उसका कुछ भाग नहीं भी डूबता है। आगे है द ड्राइवर, द ड्राइवर ड्राइव्स, चालक ड्राइव्स करता है मतलब चलाता है, हाँकता है, क्या चीज, सीप को, सीप मतलब पानी के जहाज को। तो पानी के जहाज को जो है हाँकता है, पानी पानी में, पूरा सेंटेंस बढ़िया देखेंगे, द ड्राइवर ड्राइव्स द शिप इन द वाटर, पानी में समुद्री जहाज बोलते हैं, शिप मतलब समुद्र या पानी में जहाज, जहां रहे पानी में तो जहाज ही होगा, तो ड्राइवर जो है पानी में हाँकता है। इसको भी प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है कि कोई ड्राइवर होगा वो पानी जो है पानी में जहाज को चलाता है। अब आगे मैनी थिंग्स डिजॉल्व, बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं। अब उसको भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं पानी में डाल के, कि जैसे नमक देंगे पानी में तो घुल जाएगा, चीनी देंगे घुल जाएगा, तो ये डिजॉल्व, बहुत सारे पदार्थ डिजॉल्व हो गए, ये भी एक क्रियाकलाप है। अब आगे देखेंगे, ये है क्वेश्चन राइट एंटोनिम, विलोम शब्द लिखना है, विलोम उल्टा ऑफ द वर्ड्स, नीचे दिए गए कुछ वर्ड के हैं गिवन विलोम, नीचे दिए गए वर्ड्स के जो है एंटोनिम लिखे, विलोम शब्द लिखे, विद द हेल्प ऑफ पोयम, पोयम की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे डाउन है तो डाउन को क्या लिखेंगे, डाउन मतलब नीचे, और इसका उल्टा हो जाएगा अप, ऊपर, डाउन का अप। फिर नैरो, नैरो मतलब सकरा होता है, पतला जगह, इसको क्या बोलते हैं, वाइड, वाइड। इसका डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, इसको कहते हैं लाइक। आगे कम, कम मतलब आना, आना का उल्टा गो यानी जाना, कम का गो जाना। उसके बाद अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब नाखुश, इसको बोलते हैं हम लोग प्लीजेंट, आनंददाई, या ये अनंददाई है, ये प्लीजेंट मतलब आनंददाई, आनंददायक। तो इस प्रकार प्लीजेंट मतलब खुश रहना, खुश भी हो सकता है, और अनप्लीजेंट मतलब नाखुश। तो इस प्रकार जो है विलोम शब्द भी है जो पोयम में वर्ड आया हुआ है, जैसे देखेंगे वाइड आया हुआ है, यहाँ वाइड मतलब नेरो का उल्टा वाइड है, अप भी आया होगा, ये अप, डाउन का अप, तो एक प्लीजेंट भी आया हुआ है, जैसे वहाँ हुआ डिसप्लीजेंट, तो यहाँ प्लीजेंट है। उसका इस तरह करके सारे शब्द यहाँ में है जो उसका उल्टा बताता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ समाप्त होता है, जिसमें द स्विंग को अच्छी तरह समझ गए होंगे, झूलना, ये झूला है, ये बहुत ही प्लीजेंट थिंग है, और ये क्वेश्चन आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो चलिए कुछ यहाँ, जैसे ये दिया हुआ है कि रीड एंड से, पढ़िए और कहिए, यहाँ जैसे बहुत सारे शब्द हैं यहाँ बनाया हुआ है, विदाउट आई मैंने आई के बिना, जैसे स्माइल लिखेंगे तो आई नहीं देंगे, स्माइल बाइन, हाउ कैन यू बी, जैसे फाइन है, विदाउट आई सब में है, आई को छोड़ा हुआ है, तो इसमें ये समझना है कि देखिए यहाँ आई छूटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, आई लगा देना है सिर्फ, तो आई के बिना ये वर्ड है, यहाँ आई स्पेलिंग जो है स्माइल जैसे आई छूटा है, फाइन में आई छूटा है, तो आई आई हो जाएगा। तो ये आप कैसे जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसमें यह है रीड, पढ़िए और कहिए, क्या छूटा है, क्या हो सकता है। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को ख़त्म किए, आप लोग फिर अगले दिन अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम हम लोग आज ही जान लें, ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड पढ़ेंगे अगले दिन, और नए कंटेंट्स में
और इसको आप लोग, इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से पहले पढ़ के रहें, ताकि हम जब वीडियो बना देंगे, देखेंगे आप लोग वीडियो, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का यह जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।